गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के इंग्लिश का लेसन थ्री, जिसका नाम है प्लेइंग द गेम, यानी कि खेल खेलना, जिसको लिखे हैं आर्थर मी। चलिए यहां से देखते हैं। ब्रेवो शाबाश, एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ केम टू द गेट, दरवाजे तक आई, टू सी ऑफ मतलब उसको विदा करने के लिए। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, सी कॉल्ड आउट, उसने जोर से कहा कि अलविदा एलन, भरसक प्रयास करना। आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड। एलन ने उत्तर दिया कि मैं कोशिश करूंगा मम्मी, और अपने हाथ को हिलाते हुए ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह दरवाजे से बाहर की ओर दौड़ा एंड अप द रोड और सड़क पर पहुंच गया। डू हिज बेस्ट, ऑफकोर्स ही वुड, उसके जाने के बाद में एलन की मां सोचने लगी, डू हिज बेस्ट मतलब भरसक प्रयास करेगा, ऑफकोर्स ही वुड अवश्य वह करेगा, फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बींग चूजन टू प्ले, क्योंकि एलन अपने विद्यालय के क्रिकेट मैच में खेलने वाला था और उसे इस बात का गर्व था कि उसे खेलने के लिए चुना गया था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स नाउ, वह अपने पिताजी के साथ बॉलिंग यानी गेंदबाजी का अभ्यास भी किया था। नाउ मतलब अब, एंड डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल, और उसके पिता ने कहा था कि वह अच्छी तरह से गेंद फेंकता था। डैडी वाज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन, मतलब उस एलन के पिताजी उतना उत्साहित थे जितना कि एलन था। ओवर द मैच मतलब मैच को लेकर, एंड ही प्रॉमिस्ड और उसके पिता ने उससे वादा किया, दैट इफ एलन साइड यदि एलन की टीम वन मतलब जीत जाती है, ही वुड बाय हिम अ बाइसाइकिल, तो वह उसके लिए एक साइकिल खरीदेंगे। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एलन भी बहुत ज्यादा उत्साहित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान को जाते समय एलन हैड टू पास, एलन को गुजरना था द लिटिल थ्री कॉर्नर्ड मीडो, छोटे से तिकोने, थ्री कॉर्नर्ड तिकोने मीडो मतलब चारगाह से। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे वह वहां पहुंचा, ही सा अ वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत वृद्ध व्यक्ति को देखा, लीनिंग हेवली ऑन हिज स्टिक, जो अपनी छड़ी के सहारे बुरी तरह से, हेवली मतलब बुरी तरह से, लीनिंग मतलब झुका हुआ था। एज एलन पास्ट, जैसे ही एलन उसके पास से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, वृद्ध व्यक्ति ने उसको बुलाया, कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली, एलन ने दया पूर्वक उससे कहा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, गोइंग अप टू हिम उस व्यक्ति के पास जाते हुए। द ओल्ड मैन इन ए थीन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड, बूढ़े व्यक्ति ने एक पतली और फटी हुई आवाज में उससे निवेदन किया, एलन से, टू लेट हिम टेक हिज आर्म मतलब उसे अपनी भुजा का सहायता देने के लिए। ही सेड उसने कहा, दिस रोड इज सो हिली, यह सड़क बहुत पथरीली है, एंड द वाइंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा मेरे लिए लगभग बहुत ज्यादा है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन, एलन ने कहा कि श्रीमान जी आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। फॉर मतलब क्योंकि, ही न्यू, ही
could easily make up what time he had lost by running when he left old man. क्योंकि उसे पता था कि इस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने के बाद में जो उसका समय बर्बाद होगा उसको मेकअप मतलब पूरा कर लेगा बाय रनिंग मतलब दौड़ करके. बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टडी लिटिल आर्म. लेकिन वह बेचारे महाशय एलन की स्टडी मतलब मजबूत और छोटी भुजा पर लीन्ड हैवली बुरी तरह से झुक गए एंड टॉटर्ड एलॉन्ग लाइक अ बेबी और एक बच्चे की तरह लड़खड़ाते हुए चलने लगे. सो स्लोली डिड ही वॉक दैट 5 मिनट्स हैड गॉन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड. वह व्यक्ति इतना धीरे धीरे चल रहा था कि सड़क को आधा पार करने में हाफ वे अप सड़क को आधा पार करने में 5 मिनट लग गए. एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन. एलन ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच यानी कि वह क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट और उसे देर नहीं होनी चाहिए. बट किंतु ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम ऐसा लगा कि बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात को नहीं सुनी. वेयर डू यू लिव सर कॉल्ड एलन. एलन ने कहा कि श्रीमान आप कहाँ रहते हैं. एट लास्ट मतलब अंत में इन द ओल्ड मैन्स ईयर बूढ़े व्यक्ति के कान में एलन ने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा श्रीमान जी आप कहाँ रहते हैं. अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर. अप द रोड मतलब सड़क के उस पार एंड सम वे राउंड द कॉर्नर मतलब कुछ कोने मुड़कर. ही आंसर्ड इन हिज थीन एंड वीक वॉइस वह अपनी पतली और कमजोर आवाज में उत्तर दिया आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड इफ यू कुड सी मी होम यदि तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ओब्लाइज्ड मतलब कृतज्ञ होऊंगा. यू लुक अ वेरी काइंड लिटल बॉय तुम एक छोटे और दयालु लड़के प्रतीत होते हो. सी हिम होम एलन सोचता है कि सी हिम होम मतलब क्या उसे घर तक छोड़ूं. एंड दे वर स्टील ए लॉन्ग वे अप वे लोग अब भी बहुत दूर थे. इफ ओनली ही कुड वॉक लिटिल फास्टर सोच रहा था कि यदि वह व्यक्ति थोड़ा तेज चल पाता. वाई क्योंकि या क्यों द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड जो टीम है यानी कि जो खिलाड़ी है वह पहले ही खेल के मैदान में आ चुके होंगे. एंड द कैप्टन वुड बी वॉन्डरिंग और जो कप्तान है वह आश्चर्य कर रहा होगा वाई ही डिड नॉट कम कि वह क्यों नहीं आया.